delegations, members of the media, ladies and gentlemen, sabah al khair. किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली यात्रा पर रामल्ला आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है. प्रेसिडेंट अब्बास, आपने मेरे सम्मान में जो शब्द कहे और जिस गर्व जोशी के साथ मेरा तथा मेरे शिष्टमंडल का शानदार स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. एक्सेलेंसी, आपने आज मुझे बहुत आत्मीयता के साथ फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है. यह पूरे भारत के लिए सम्मान का विषय है और भारत के लिए फिलिस्तीन की मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है. इस सम्मान के लिए मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. भारत और फिलिस्तीन के बीच जो पुराना और मजबूत ऐतिहासिक संबंध है वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है. फिलिस्तीन के हितों को हमारा समर्थन हमारी विदेश नीति में सदैव ऊपर रहा है. अनवरत अविचल, इसलिए आज यहां रामल्ला में प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को जी, जो कि भारत के बहुत पुराने मित्र हैं, उनके साथ खड़े होकर मुझे खुशी हो रही है. पिछले वर्ष मई में उनकी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उनका स्वागत करने का सौभाग्य मुझे और हम देशवासी भारतवासियों को मिला था. हमारी मित्रता और भारत के समर्थन को नवीनता प्रदान करते हुए मुझे अनहद खुशी हो रही है. इस यात्रा में अबू अमार के मकबरे में श्रद्धांजलि देने का मौका मिला. वे अपने समय के शीर्षस्थ नेताओं में से थे. फिलिस्तीन संघर्ष में उनकी भूमिका बेमिसाल है. अबू अमार भारत के भी एक विशिष्ट मित्र थे. उनको समर्पित संग्रहालय का भ्रमण भी मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है. मैं अबू अमार को एक बार फिर आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलिस्तीन के लोगों ने निरंतर चुनौतियां और संकट की स्थिति में अद्भुत दृढ़ता और साहस का परिचय दिया है. आपने परिस्थितियों से निपटने के लिए चट्टान जैसी संकल्प शक्ति का भी परिचय दिया है और वह भी इस बात के बावजूद कि अस्थिरता और असुरक्षा का वातावरण रहा हो, जो प्रगति को बाधित करता है और कठिन संघर्ष से प्राप्त लाभों को खतरे में डालता है. जिन कठिनाइयां और चुनौतियों के बीच आप आगे बढ़े हैं वह प्रशंसनीय है. हम आपकी भावना और बेहतर कल के लिए प्रयास करने के आपके विश्वास की हृदय से सराहना करते हैं. फिलिस्तीन के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में
भारत आपका बहुत पुराना सहयोगी है। हमारे बीच ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंस और बजेटरी सपोर्ट के क्षेत्र में सहयोग है ही। हमारी नई पहल के हिस्से के रूप में हमने यहां रमल्ला में एक टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इस समय निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके बाद बन जाने के बाद हम आशा करते हैं कि यह संस्था रोजगार को बढ़ावा देने वाले स्किल्स और सर्विस सेंटर के रूप में भी काम करेगी। भारत रमल्ला में इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी बनाने में भी सहयोग कर रहा है। हमें विश्वास है कि यह संस्थान फिलिस्तीन में युवा राजनयिकों के लिए एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उभरेगा। हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग कॉरपोरेशन में दीर्घ और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए परस्पर प्रशिक्षण शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में वित्त प्रबंधन, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी में फिलिस्तीन के लिए ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप स्लॉट को हाल ही में बढ़ाया गया था। मुझे खुशी है कि इस यात्रा के दौरान हम अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत फिलिस्तीन में स्वास्थ्य और शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा महिला सशक्तिकरण के केंद्र और एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने की परियोजना में निवेश करता रहेगा। हम ऊर्जावान पैलेस्टाइनियन स्टेट के लिए यह योगदान बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर हम मिनिस्ट्रियल लेवल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के माध्यम से अपने संबंधों को और अधिक गहन बनाने पर सहमत हुए हैं। पिछले वर्ष भारत और फिलिस्तीन के यूथ डेलीगेशंस के बीच आदान प्रदान हुआ। हमारे युवाओं में निवेश करना और उनके स्किल डेवलपमेंट और संबंधों में सहयोग करना एक साझी प्राथमिकता है। भारत फिलिस्तीन की तरह युवाओं का देश है। हमारी आकांक्षाएं फिलिस्तीन युवाओं के भविष्य को लेकर वैसी ही हैं जैसी हम भारत के युवाओं के लिए रखते हैं, जिसमें प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध हैं। यही हमारा भविष्य है और हमारी मित्रता के उत्तराधिकारी भी हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम इस साल से युवाओं के एक्सचेंजेस को 50 से बढ़ा करके डबल करेंगे, 100 व्यक्तियों तक हम ले जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज हुई चर्चा में मैंने प्रेसिडेंट अब्बास को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए वचनबद्ध है। भारत फिलिस्तीनी के शांतिपूर्ण माहौल में शीघ्र एक संप्रभु स्वतंत्र देश बनने की आशा करता है। प्रेसिडेंट अब्बास और मैंने हाल के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचार विमर्श किया है, जिसका संबंध फिलिस्तीन की शांति, सुरक्षा और शांति प्रक्रिया से है। भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहुत उम्मीद करता है। हमारा मानना है कि अंततः फिलिस्तीन के प्रश्न का स्थायी जवाब ऐसी वार्ता और समझ में ही निहित है, जिसके जरिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मार्ग मिल सके। केवल गहन कूटनीति और दूरदर्शिता से ही हिंसा के चक्र और इतिहास के बोझ से मुक्ति पाई जा सकती है। हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है, लेकिन हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए
क्योंकि बहुत कुछ दांव पर है। और एक्सलेंसी, मैं हृदय से आपकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1.25 बिलियन भारतीयों की ओर से फिलिस्तानी लोगों को उनकी प्रगति और समृद्धि की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। शुक्रन जजिलन।